Hello guys, you're welcome back again in the channel. I'm Love Kumar Soni and I'm professional fine artist. Guys, जैसे कि आपको पता है मैं BFA से related tips और tricks देता रहता हूँ अपने इस channel पे. तो guys, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज बनाई है और इसकी दो वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो आप पहले सबसे पहले उन वीडियो को देखें. ये BFA स्टिल लाइफ जो स्पीड बढ़ाने के लिए BFA में जो स्टिल लाइफ का टेस्ट होता है उसके ऊपर मैंने एक सीरीज बनाई है. तो इसमें 5 मिनट्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे, यानी कि ओनली ड्रॉइंग करेंगे. उसमें पहले हम 1 ऑब्जेक्ट करेंगे 5 मिनट के अंदर, फिर 2 ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से हम आगे जाएंगे गाइज. तो इससे पहले जो दो वीडियो थे उनको पहले आप देखिए और उनकी प्रैक्टिस करिए गाइज, ठीक है? फिर आपको समझ आएगा ये किस चीज़ की वीडियो है. तो अभी हम जो है तीसरी सीरीज, जो हमारी तीसरा वीडियो है, इसके अंदर आप देखिए 1, 2, 3, बाकी आप इसे गिन सकते हैं अगर गिनना चाहें, बाकी छोटा सा ऑब्जेक्ट है. मैंने तो इसे तीन ही ऑब्जेक्ट मानूंगा मैं इसे गाइज. तो ये 3 ऑब्जेक्ट की ड्राइंग 5 मिनट्स में करी है हमने. तो इससे क्या होगा गाइज, हमने फर्स्ट जो हमने करी थी, पहला 1 ऑब्जेक्ट जो करा था वो हमने 5 मिनट्स में किया, फिर 2 ऑब्जेक्ट्स करे हमने 5 मिनट्स के अंदर, अब 3 कर रहे हैं. तो गाइज इससे क्या हो रहा है, हमारी स्पीड इम्प्रूव हो रही है. इसका बेनिफिट ये होगा गाइज, जो वहाँ पर हमें टाइम मिलता है 1.5 आवर्स, हमें 1.5 घंटा पूरा मिलता है वहाँ पर स्टिल लाइफ करने के लिए. ये गाइज जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहीं से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और बाकी और भी अदर कॉलेजेस है, कहीं पे स्टिल लाइफ होती है, कहीं पे लाइव ड्राइंग होती है. तो ये भी मैं बनाता रहूँगा वीडियो. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स चाहिए या कोई इंटरेस्टेड हो फाइन आर्ट के अंदर या BFA करना चाहता हो तो उसको ये वाला चैनल मेरा शेयर कर दीजिए गाइज, ठीक है गाइज. तो ये जो मैंने बनाए ओनली ड्राइंग है, आपको ओनली ड्राइंग ही करनी है अभी, ठीक है गाइज. शेडिंग ना करें, पहले अपनी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा तो चाहे आप उसमें कितनी मर्जी शेडिंग कर लीजिए वो प्रॉपर निकल के नहीं आएगा. हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं गाइज, अगर उसकी नींव भी कमजोर होगी तो बिल्डिंग पर चाहे कितना भी वो कुछ कर लीजिए, आप कितना डेकोरेशन कुछ भी कर लीजिए, एक दिन गिरनी है, ठीक है ना. तो आपको सबसे पहले मैं यही कहूँगा, सबसे पहली मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी गाइस, अपनी ड्राइंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है. ड्राइंग ही बेस है हमारा, ठीक है. जो भी हम BFA कर रहे हैं या कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं या हम BFA में हैं या हमारा एडमिशन हो चुका है तो वहाँ भी हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है. तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट को आपको करना है मेरे साथ में ही जुड़ के. और गाइज इसकी पिक मैं अपने इंस्टा और फेसबुक पर भी डाल दूँगा, वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर लीजिए, ठीक है. और मेरा पेज लाइक कर लीजिए, तो वहाँ पर भी आप उस पिक को उठाकर आप ड्रॉ कर सकते हैं. बाकी इस वीडियो को चलाकर आप उसके साथ में प्रैक्टिस करिए, साथ में अपना मटेरियल वगैरह आप रेडी रखें. मटेरियल की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, बुक्स की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर वहाँ पर देख लीजिए बाकी सारी वीडियो. और अभी भी मैं और कुछ लाता जा रहा हूँ वीडियो, कुछ मेरी पेंडिंग में वीडियोज़ हैं. तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को. तो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं और बनाते हैं इसको, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है गाइस. चलिए गाइस अब हमारा ये lesson-3 है, तीसरा लेसन हम शुरू करते हैं. वही चीज़ जो इससे पहले वाले लेसन्स में मैंने बता रखा है आपको कि ऊपर से हमने सर्कल लिया और बीच में मैंने एकदम लाइन लगाई है इसकी, मिडिल लाइन. अब नीचे ओवल. गाइस कोशिश करिए इसको एकदम बेसिक से पकड़ने का, जो वहाँ पर आपको स्टिल लाइफ मिलेगी आप कोशिश करिए उसको एकदम बेसिक में चले जाए कि कहाँ सर्कल है, कहाँ एंगल, कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है, कोशिश ये करिए, तभी आप इजिली फटाफट बना पाएंगे. अब देख रहे हैं आप गाइस किस तरीके से मैंने एकदम ईजिली इसकी शेप, एक स्ट्रक्चर निकाल लिया है मैंने. और ये चीज़ भी ध्यान रखें कि आपका प्रॉपर स्टिल लाइफ वहाँ पर कंपोज होना चाहिए, ये ना हो कि पूरी शीट के अंदर एकदम छोटा बना दिया आपने, ना कि ये हो कि आपने पूरी शीट के अंदर एकदम बड़ा बना दिया कि वो कट रहा है गाइस. तो प्रॉपर वो कंपोजिशन होनी चाहिए वहाँ पर, वो ये चीज़ भी देखते हैं. और कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये सब भी आपको नॉलेज होनी चाहिए गाइस. ये सब नॉलेज जो आपको आएगी, ये नॉलेज आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ में. तो कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिल लाइफ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिशन करिए. अगर आप BFA में एडमिशन चाहते हैं तो गाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी. देखिए गाइज अभी मैंने फर्स्ट फटाफट पहले लाइट लाइन ली थी. लाइट लाइन का रीज़न ये होता है गाइज, हम हल्की लाइट
लाइन इसलिए लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाए बाई चांस तो हम उसको इजीली इरेज कर सकें वहाँ पर। इरेज करने के बाद उस लाइन का इम्प्रेशन नहीं आएगा उस सीट के ऊपर, तो अभी जो लाइट लाइन है इजीली इरेज हो जाएंगी हमारी। और ये जो देखो डार्क, फिर हम बाद में उसको कर सकते हैं डार्क साइड की। अभी मैं लाइन्स ले लिए हैं यहाँ पर गए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अभी एक लेसन और आएगा इसके बाद, जो हमारा फोर्थ लेसन होगा, चौथा लेसन। तो इससे पहले के भी मैंने लेसन बना रखे हैं और ये सब फोटोग्राफ मैं अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर भी मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप ये फोटोग्राफ्स देख सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। तो गाइज बिना समय गवाए आप नीचे मेरे जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। अभी जो फालतू के जो लाइन्स है ये सब मैं अभी इरेज कर देता हूँ। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B पेंसिल। आप यही कोशिश करिए कि 10B पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होगा आपको पेंसिल का कंट्रोल समझ आ जाएगा, क्योंकि 10B पेंसिल ज़्यादा से ज़्यादा आप डार्क कर सकते हैं और लाइट भी चला सकते हैं गाइस, कोशिश ये करिए। बाकी इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस होगी तो आप हैंडलिंग ईजिली कर लेंगे गाइस। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, आप करते रहिए प्रैक्टिस। और देखिए अभी हमने 2.5 मिनट के अंदर 3 ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं। तो देखिए पहले हमने जो है 5 मिनट के अंदर 1 ऑब्जेक्ट बनाया, फिर 5 मिनट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट बनाए, और अभी देखिए 5 मिनट के अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपकी स्पीड भी बढ़ रही है गाइस, देख रहे हैं गाइस। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आप इजिली वहां पर जो है अपना जो स्टिल लाइफ का टेस्ट है इजिली आप कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए आप, ये मैं लाइन नीचे लगा रहा हूँ इसकी, इसकी शेप वगैरह आप अच्छे से बनाइए, क्योंकि अभी तो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। बाकी आप अच्छे से बनाएंगे और मेरे को भेजेंगे गाइस, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो है हमारी जो आर्ट फील्ड में गाइस, ये जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा गाइस। और अगर आप BFA में एडमिशन चाहते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के अंदर, तो उसका टेस्ट होता है, उसका टेस्ट क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक से एक बच्चा वहाँ पर आता है गाइस। तो आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करें और जो नाम वहाँ पर सिलेक्शन हो तो उसमें नाम आपका भी होना चाहिए गाइस, मेरी ये विशेष है आपको। अभी ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट है ऊपर का, मैं इसको बना देता हूँ, देख रहे होंगे इसको गाइस, ये जो है एक ओखली है गाइस, और ये पूरा पोर्ट वगैरह। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट अगर आपके घर में हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में बर्तन भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं ऐसे इतने इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो आप उनको रख के भी ड्रॉ करिए गाइस। कोशिश करिए कि 4-5 ऑब्जेक्ट आप इजीली निकाल सकें 5 मिनट के अंदर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेडिंग वगैरह गाइस, पहले सबसे पहले हम ड्राइंग स्टोन कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम शेडिंग करेंगे। देखिए गाइस हमारा 4:20 करीब हो चुका है और हमने 3 ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट बना ही लिए गाइस, तो 5 मिनट के अंदर अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिए गाइस। देखिए इरेजर से जो फालतू के एक्स्ट्रा लाइंस होंगी हम उनको इरेज कर देंगे। और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो ये ओरिजिन लाइन लगानी ना भूलिए वहाँ पर, कोशिश करें जिससे कि पता चले कि एक ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है और पीछे वॉल है। और बाकी की मेरी वीडियोज है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।